तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हर मोबाइल में, आपको वो करना चाहिए, फाइंड माय मोबाइल के बारे में। जैसा कि आपको बता रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से आपको एक ऑप्शन मिलता है या एक सेटिंग मिलती है फाइंड माय मोबाइल करके। इसके अंदर एक नया अपडेट अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है और इस फीचर्स का बहुत ही काम का यूज है, तो आगे आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि यार बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नए अपडेट के बारे में, बहुत ही कमाल की सेटिंग है। तो उसके लिए जाना है आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में चले जाना है। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको वहाँ ऑप्शन मिलेगा, एक नया अपडेट आपको मिल रहा होगा फाइंड माय मोबाइल करके, आप देखिए। तो ये आपको नया अपडेट मिल रहा होगा फाइंड माय मोबाइल करके, आप देख सकते हैं। इस नए अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 3 नवंबर को रोल आउट किया गया, जिसका अपडेट साइज है 10.92 MB का, जिसका वर्जन नंबर है 7.3.112। अब यहाँ पर वैसे आप देखेंगे इस अपडेट में कुछ नया चेंजेस नहीं किया गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी नया अपडेट आपको नहीं दिख रहा होगा या नया चेंजेस कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट ये ऐप बहुत ही कमाल की है और इसका अपडेट आना मतलब कि इसमें कुछ सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया होगा, एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया होगा और कुछ इन्हांस फीचर एड ऑन किए गएंगे और परफॉर्मेंस या बग भी फेस आउट किया गया होगा। तो इस ऐप का काम क्या है, इस ऐप का काम आप समझ सकते हैं फाइंड माय मोबाइल, मतलब कि आप इससे अपना मोबाइल अगर आपका कहीं घूम गया है तो आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, उसको आप वहाँ पर रिसेट भी कर सकते हैं, रिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप सैमसंग का टैबलेट, वॉच, ईयरबड्स भी चला रहे हैं ना, सबको आप यहाँ पर आप ट्रेस कर सकते हैं, सबको आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आपको इनेबल कैसे करना है और कैसे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड माय मोबाइल करके, तो आपको इसको इनेबल करना है। इसके लिए आपको जाना है अलाउड टू बी फाउंड पे। यहाँ पर अपने सैमसंग अकाउंट से आपको लॉगिन करना बहुत कंपलसरी है, अगर आपका सैमसंग अकाउंट नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको सैमसंग अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अलाउड दिस फोन टू बी फाउंड, आपको इसको भी ओके करना है ताकि आपका फ़ोन ट्रेस हो सके। रिमोट अनलॉक भी आप यहाँ पर इसको ऑन कर लीजिए ताकि आप उसको वहीं से मैनेज कर पाए, और लास्ट लोकेशन भी आप सेंड कर लीजिए, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉल और मैसेज भी वहाँ पर रिकवर हो जाएं तो आप वो भी यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है, ऊपर के 3 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट नीचे की ऑफलाइन, अगर वो ऑफलाइन भी हो गया है तो आप उसकी डिवाइस को लोकेट कर पाएं, तो इसको भी ऑन कर लीजिएगा। तो सब ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है और यहाँ पर भी आप इसको ऑफलाइन इसमें जाएंगे, दिस लिखा हुआ है, दिस विल बी अलाउड योर फोन टू बी फाउंड बाय अदर पीपल गैलेक्सी डिवाइसेस इवन व्हाट इज नॉट कनेक्टेड टू अवर नेटवर्क। इफ यू अलाउ यूजर टू फाउंड यूजर स्कैन फॉर लॉस्ट डिवाइस डेट माय नियर बाय यू कैन आल्सो फाइंड वेरेबल डिवाइसेस सच एज वॉचेस। तो ये क्या करेगा, दूसरे सैमसंग गैलेक्सी के अगर आपके पास नेट नहीं है, मतलब जिसने आपका मोबाइल उठाया है उसने मोबाइल में नेट बंद कर दिया है, तो आजू बाजू के सैमसंग गैलेक्सी को फाइंड करके वो उसके अंदर से आपके डिवाइस को वहाँ पर ट्रेस करने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही शानदार फीचर है, और अगर आप चाहते हैं कि पूरी प्रोसेस इनक्रिप्टेड हो तो आपको यहाँ जाके इसमें अपना पासवर्ड डाल देना है और वो पूरी तरीके से वर्क करना चालू हो जाएगा, और डीक्रिप्ट के लिए भी आपको पासवर्ड लगेगा। तो अगर आप पासवर्ड नहीं डालना चाहते तो भी आपका काम हो जाएगा, डाल देंगे तो और ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी। तो पासवर्ड डालेंगे, जैसे आप उसको ओके करेंगे तो वो वहाँ पर आ गया है इनक्रिप्टेड ऑफलाइन लोकेशन, और रिसेट पिन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सेट ऑन, पूरे डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको रिसेट भी कर सकते हैं, रिसेट में जाएंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिसेट पे क्लिक करेंगे और आपके सैमसंग अकाउंट के थ्रू वो रिसेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफलाइन वाला फीचर, जो कि शानदार है। मेन चीज़ आपको इसको इनेबल करके रखना है। इनेबल करने के बाद अगर मान लो बाय द वे अगर आपका मोबाइल कहीं चला गया या आपके डिवाइस में वॉचेस हो गई, एयरबड्स हो गए या टैबलेट्स कहीं आपका कहीं खो गया है जिसको आपको फाइंड करना है, तो आपको ये जो दिख रहा है ना स्मार्ट थिंग फाइंड सैमसंग, आपको उस पर चले जाना है। इस पे जाने के बाद अपने आपको सैमसंग अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। जो सैमसंग अकाउंट आपके मोबाइल पे डिवाइस पे लॉगिन है, आपको उस सैमसंग अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है, मेरे डिवाइस का नाम उसने खुद ही बता दिया, सैमसंग A52S है, कहाँ पर है और एग्जैक्ट लोकेशन उसने वहाँ पर आपको मेरे को बता दिया। आप देख सकते हैं 9:10 पर वो यहीं था और पूरी लोकेशन वहाँ पर आ गई है। और अगर आपका कोई दूसरा डिवाइसेस है तो आपको क्या करना है,
जैसा कि गैलेक्सी वॉच है, तो मैं गैलेक्सी वॉच पे क्लिक कर दिया, तो गैलेक्सी वॉच का अभी तक लोकेशन कहाँ की अपडेटेड है वो गलत लोकेशन दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो वो अपडेट पहले कहीं था और रिसेंटली उसने अपडेट कर लिया है, जिस लोकेशन पे मैं हूँ उस लोकेशन पे आ गया। आप यहाँ से डायरेक्टली उसको रिंग भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, इरेज डाटा भी कर सकते हैं। जैसे आप रिंग पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर लिंक बजना चालू हो जाएगी, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ रिंग कर दिया है तो मेरी वॉच में वहाँ पर रिंग आ गया, आप देख सकते हैं। और जब तक मैं यहाँ से उसको कैंसिल नहीं करूँगा वो वहाँ से बंद नहीं होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो बता देगा कि वहाँ से वो बंद हो गया। सेम कंडीशन में अपना फ़ोन को भी आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इरेज डाटा का भी ऑप्शन दिया है, आप इरेज भी कर सकते हैं, रीएक्टिवेशन लॉक भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड माई मोबाइल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नए अपडेट से मतलब होता है कि कुछ नया इसमें इम्प्रूवमेंट किया हो, ज़रूरी नहीं कुछ नए फीचर्स हो, इसके परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया हो, कुछ चलने में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है, किया गया होगा। तो यही नया अपडेट था, ऐसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके ही पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके व्हाट्सएप पे भी मुझे फॉलो कर लेना, ताकि आपको जल्द से जल्द अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।